मियां शहबाज शरीफ ने सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की दरख्वास्त जमा करा दी है। शहबाज शरीफ N-132, PP-164 और PP-165 से भी मुंतखब हुए थे। हमजा शहबाज ने भी N-124 की नशिस्त छोड़ने के लिए दरख्वास्त दे दी है। जी हाँ, आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने N-124 की नशिस्त छोड़ने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ ने भी दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात जानेंगे अरसलान फीक भट्टी से। अरसलान फीक भट्टी, दरख्वास्तें जमा करा दी गई हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, आज शाम 5 बजे तक 4 बजे तक का टाइम था कि दरखास्तें जो नशिस्तें रखना चाहते हैं, जो 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 दो जगह सेलेक्ट हुई यानी कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से भी, उनके लिए दरखास्तों का आज आखिरी दिन था, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां शहबाज शरीफ ने सूबाई असम्बली की नशिस्तें, दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने यानी PP-164 और 165 जो मुंतखब हुए थे वो छोड़ने का फैसला किया, जबकि वो N-132 रखेंगे। इसी तरह मियां हमजा शहबाज ने N-124 की नशिस्त छोड़ने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। मियां हमजा शहबाज PP-146 की नशिस्त यानी पंजाब असेंबली में रहेंगे, और जो एक बातें आ रही थी जी कि वो क्या अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये वाजह हो गया कि अब वो बतौर अपोजिशन यहाँ पे बैठेंगे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी।